नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइन, हिसार में किसानों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। एलएसआर की ऐश्वर्या को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में वामदलों ने शराबकांड के विरोध में निकाली रैली। भोपाल के अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत और कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार में सरकार और किसानों के बीच विवाद लगातार जारी है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा किए गए हमले में एक किसान घायल हुआ है। किसानों ने सोमवार को एसपी ऑफिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम हिसार में हांसी के पुलिस कार्यालय के सामने हैं, जहां पे हजारों की संख्या में जो है किसानों ने यहां डेरा डाला हुआ है। इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताऊं तो यहां पे कुछ दिन पहले रामचंद्र जांगड़ा, जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उनका किसानों ने घेराव किया था। और इस दौरान जो है एक किसान को कथित तौर पर जो है जांगड़ा के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके द्वारा चोटिल किया गया था। किसान यहां पर ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने किसान को चोटिल किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही साथ जो अन्य किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ जो एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो जो है खारिज की जाए। इस अगर हम पूरे प्रदर्शन को देखते हैं तो एक व्यापक रोष समझ में आता है, और इसी रोष को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ किसानों से बातचीत की है, सुनिए। जो केंद्रीय कैबिनेट है, हमारी मंत्रिमंडल है, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल है, उस स्तर तक हमारी बात जो है एक कम्युनिकेशन गैप हम समझते हैं कि अगर ये लोग अब अलर्ट रहते, ये लोग जनता की, किसानों की भावना को समझते, हमारी बात वहां तक पहुंच पाती तो जो हमारे ऊपर ये कानून थोपे गए हैं, जो लोकतंत्र विरोधी, किसानी विरोधी जो कानून है, ये पारित होने की नौबत नहीं आती। अगर ये लोग सतर्क रहते तो हमारा यही जो उद्देश्य रहा है कि आगे पीछे आप सतर्क नहीं रहे, आगे सतर्क रहिए, कम से कम हमारी बात वहां तक पहुंचाइए। आपकी ये जिम्मेवारी है, आपका फर्ज बनता है, आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे जनता के। वो सिर्फ काले झंडे दिखाने के लिए सड़क के साइडों में खड़े होते हैं, प्रशासन को पूरा सहयोग करते हैं, उसके बावजूद इनके प्राइवेट PSO हमला कर रहे हैं किसानों के ऊपर, तो वो निंदनीय है। उस चीज का रोष है कि ये क्या क्या स्थिति हरियाणा में इन्होंने पैदा कर दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, 5 तारीख को नारनौंद जिला हिसार के अंदर नारनौंद में पहुंच रहे थे। उनका कोई कार्यक्रम था, इनवाइट किया था जिन्होंने, उसको बुलाया था MP साहब को, जिन्होंने बुलाया था रामचंद्र जांगड़ा को। हमने उनसे बात की पहले सुबह जा करके कि हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सामाजिक जो सौहार्दपूर्ण ताना बना है, हम आपका भाईचारा हम आपसे यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं। जिस तरह से आपके समाज का इस आंदोलन की शुरुआत से ही हमें सहयोग रहा है और बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ऑनगोइंग आंदोलन है, इसमें जो हमारा जिस तरीके से हम इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का विरोध करते आ रहे हैं, जब तक हमारा आंदोलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता, हमारा आप सहयोग कीजिए और इन बीजेपी एमपी को आप मत बुलाइए। हमारी बात उन्होंने सुनी, लेकिन सुनकर भी अनसुना करते हुए जो है उन्होंने हमारा जो रिक्वेस्ट थी उसको मंजूर नहीं किया। आपको जानकारी है कि पिछले 11.5 महीने से जो है किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चा का ये निर्णय है कि बीजेपी और JJP के नेता जहां भी कोई भी उनका राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम होगा उसका जो है विरोध किया जाएगा। उसी के तहत जो है नारनौंद के अंदर भी सांसद हैं जो बीजेपी के, रामचंद्र जांगड़ा, उनके विरोध का कार्यक्रम था, और ये बिल्कुल जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, और उस विरोध के दौरान जो है सांसद के गुंडों के द्वारा जो है हमारे किसान साथियों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें हमारा एक भाई कुलदीप जो है वो आज भी जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और वो जिंदल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उसके बाद जो है इस घटना के खिलाफ, और क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, वहां पे गिर गए थे, उसके बाद से जो इस बात को लेके कि जिन्होंने ये हमला किया है उन गुंडों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा, उन पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय पुलिस प्रशासन ने जो है किसानों के ऊपर ही झूठा मुकदमा बना दिया कई साथियों के ऊपर, तो उसके बाद से जो है नारनौंद थाना के अंदर धरना लगाया गया, बड़ी लामबंदियां वहां पे की गई, और पूरा जो है इस प्रकरण को जो है भाजपा की जो सरकार है
वो एक जातीय रंग देने की कोशिश कर रही है। देखो ये टूल होता है पॉलिटिक्स में, ये टूल होता है। हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बड़ा हवा चला दिया गया जाट नॉन जाट का, मतलब ये मतलब बीजेपी ने ये किया है। तो बाकी जनता को ये क्या करते हैं कि ये ऐसा माहौल बना के तनावपूर्ण मिलिट्री लगा दी, पुलिस लगा दी, भय का माहौल क्रिएट करते हैं, उससे इनका वोट पोलराइज होता है, इनका वोट पोलराइज होता है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बाकी जनता ये क्यों नहीं समझ पा रही है, ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि किसी बिरादरी, क्या आप जातिवाद में विश्वास करते हो जो बीजेपी के इस टूल से प्रभावित हो जाते हो? क्या आप विश्वास करते हो, आप जातिवादी हो? अगर हो तो बता दीजिए, क्लियर के लिए बता दीजिए कि हम जातिवादी हैं और हम इस जाति से नफरत करते हैं, ये कह दीजिए। किसानों से आपको नफरत है तो अपनी दुकानों पे बोर्ड लगा दीजिए कि किसान हमारी दुकान पे ना चढ़े। एक बिरादरी, किसी अगर किसी बिरादरी से दिक्कत है तो वो लिख दो दुकान के आगे कि ये बिरादरी वाले हमारी दुकान पे ना चढ़े। आपको चाहिए भी आपको नहीं भी चाहिए, ये हो क्या रहा है? और सरकारें ऐसा करती हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, लेकिन क्या जनता को समझ नहीं जाना चाहिए ये हो क्या रहा है? देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ करूं, जहां पर फैक्टर हिंदू मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो बीजेपी की पॉलिसी है हिंदू और मुस्लिम, जहां पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है वहां पर रहेगा कास्टिज्म। हरियाणा की बात करो, जाट नॉन जाट की बात करेंगे, आप गुजरात में चले जाओ पटेल नॉन पटेल की बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में चले जाओ मराठा नॉन मराठा की बात करेंगे। तो बेसिकली ये आंदोलन 36 बिरादरियों और सभी धर्मों का आंदोलन है। इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि लंगर खिलाने का काम मुस्लिम भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप कवरिंग करने आए हो, आप वन बाय वन देख लीजिए, हो सकता है कि बहुमत यहाँ पर एक जाति विशेष का हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो जाति विशेष इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन हर उस किसान मजदूर का आंदोलन है जो कमेरा है, जो अपनी मेहनत के माध्यम से अपने पेट को पालने का काम कर रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि बेसिकली इन दिस मोमेंट Our culture is agriculture, but BJP culture is divide and rule policy on the basis of casteism, on the basis of statism, on the basis of religionism. तो मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन में सभी जातियों का, सभी धर्मों का इन्वॉल्वमेंट है और ये टीका टिप्पणी अलग अलग माध्यम से करवाने का काम किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU के लेडी श्री राम कॉलेज परिसर के बाहर छात्र इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले साल इसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी ने महामारी के कारण पढ़ाई बाधित होने के डर से खुद को फांसी लगा ली थी। SFI ने सोमवार को कॉलेज के सामने ऐश्वर्या की याद में सभा की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई अन्य कॉलेज के छात्र भी इस सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए छात्रों ने कहा कि ऐश्वर्या की संस्थागत हत्या को एक साल पूरा हो गया है, छात्रवृत्ति में देरी के कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तेलंगाना की रहने वाली ऐश्वर्या BSc गणित द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जिन्हें मार्च में कोरोना के कारण वापस घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब बात बिहार की। बिहार में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद वाम दलों समेत विपक्ष के सभी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सभी ने शराबबंदी को विफल बताया। बिहार में कई जगह पर CPIM और CPIM की ओर से रैलियां निकाली गईं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। रैली के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाते हुए माले कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। मालूम हो कि पिछले 10 दिनों में बिहार के 3 जिलों गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा है। CPIM के केंद्रीय समिति के सदस्य अरुण कुमार मिश्रा ने फोन पर उन्हें बातचीत में कहा कि उत्तरी बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में जहरीली शराब पीने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना तो सामने आ गई, लेकिन यह बिहार में समानांतर तरीके से एक अर्थव्यवस्था हो गई है। शराबबंदी कानून के बावजूद इसके माफिया अभी भी सक्रिय हैं और तस्करी करते रहते हैं। ये बड़े पैमाने पर एक कारोबार की तरह चल रहा है। इसमें बेरोजगार नौजवानों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अब एक और दुखद खबर। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में सोमवार की रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की जान चली गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 40 में से 36 बच्चों को बचा लिया गया है। अभी क्लियर हुआ हो कितने क्रिटिकल बच्चे कितने क्रिटिकल है सर? सर बच्चे कितने? टोटल मिलाकर 40 बच्चे थे
जिस तरह से मैंने बताया चार की मृत्यु हो गई। क्रिटिकल कितने हैं मंत्री जी, क्रिटिकल कितने बच्चे हैं? ये बच्चे क्योंकि एसएनसीयू में सभी जो न्यूली बॉर्न अंडरवेट बच्चे होते हैं वही होते हैं, तो वो उस बच्चों की तबीयत वैसे ही जिनकी ज्यादा खराब होती है जो क्रिटिकल होते हैं वही उस वार्ड में रहते हैं। एसेंशियली जो छोटे छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न हैं जो अंडरवेट हैं तो वही बच्चे रहते हैं, तो क्रिटिकल तो सभी थे, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमने रेस्क्यू करके 36 बच्चों को सुरक्षित किया है, बाकी का इलाज चल रहा है। रो रो के बुरा हाल है परिजनों का, कब तक के देखने को? सब डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स को, सब डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, पूरे कम से कम 50 डॉक्टर, हर बच्चे पर दो दो तीन तीन डॉक्टर, जांच के आदेश हो गए हैं। कल से ही जांच हमारे ACS मोहम्मद सुलेमान जी शुरू करेंगे, थोड़ा सा पूरी बातें सामने आई। सर ये बताया जा रहा है कि नर्स जाओ वहाँ पर मौजूद थी, जैसी आग लगी वो गेट बंद गए, वो चले गए, आधा घंटा देरी हो गई। मैं भी आप बात कर रहा हूँ, फिर मुझे लगता है मीडिया के पहले मैं पहुँच गया। नहीं गुंडागर्दी न हो सर, निश्चित रूप से जांच के बाद जो जो कमियां होंगी उन सब पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा। और आखिर में कोरोना अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 9 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच 332 मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान देश भर में कोरोना से पीड़ित करीब 11,900 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में लगभग 2,000 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,00,000 के करीब हो गई है, जिनमें से अब तक लगभग 4,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 109 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 60,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। तो आज डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी हिंदी और अंग्रेजी साइट पर विजिट कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।